नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। गर्मियों के दिन हैं और ठंडी ठंडी रबड़ी मलाईदार कुल्फ़ी बाज़ार जाकर सबको खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाज़ार से खाना आजकल उतना हाइजीनिक भी नहीं है और वो काफ़ी महंगी भी पड़ती है। तो चलिए आज हम बनाते हैं केवल 60 से 70 रुपये के अंदर बहुत ही अच्छी और टेस्टी बिल्कुल रबड़ी मलाईदार कुल्फ़ी, जो कि घर में पड़े हुए सामान से बड़े आराम से हम बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने आज 3 फ्लेवर में कुल्फ़ी बनाई है। तीनों फ्लेवर रोज़, खस और केसर आपको बहुत पसंद भी आने वाले हैं और बच्चे तो इसको देखते ही खाने के लिए दौड़ेंगे। ये काफ़ी हाइजीनिक भी है और टेस्टी तो है ही, साथ में ये हेल्दी भी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सब मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर 5-7 बादाम, 5-7 काजू, 8-10 पिस्ता, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, हम उन्हें 2 घंटे तक भिगो देंगे। उसके बाद हम सफाई से इनका छिलका अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे दूध में अच्छी तरह पीसना है। दूध में अगर हम गर्मियों के अंदर ड्राई फ्रूट को अच्छी तरह से भिगोकर पीसें तो ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले हम इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे और बिल्कुल 2 टेबलस्पून के लगभग, यानी 1/4 कप दूध लेंगे और ये सारे ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्सी में एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। और उसी तरह से बिल्कुल 1/4 कप के दूध के अंदर हम 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मिलाकर इसे अच्छी तरह से साइड में रख देंगे। दूध हल्का सा गर्म हो तो कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह मिल जाता है। इसकी जगह आप आरारोट या गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम 750 ml के लगभग दूध जो है वो पैन के अंदर लेंगे और इसे अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट तक बॉईल करेंगे। इसके बाद जो ड्राई फ्रूट का बैटर हमने बनाकर रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको फिर से 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह मीडियम फ्लेम के ऊपर लगातार चलाते हुए हम उबाल लेंगे। अब ड्राई फ्रूट डालने के कारण इसका स्वाद तो बढ़ ही जाएगा, साथ में थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा। अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का जो पेस्ट हमने बनाकर रखा था उसे एक बार अच्छी तरह चला लेंगे और वो ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें इसे लगातार चलाना है, नहीं तो कॉर्नफ्लोर की वजह से दूध तेज़ी से गाढ़ा तो होगा, साथ में वो नीचे जाकर चिपकना शुरू हो जाएगा, जिससे कुल्फ़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो बस अब हम इसे लगातार 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते रहेंगे और उतनी देर हम इसके अंदर 1/2 कप के लगभग चीनी डाल देंगे। चीनी आप थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने वैसे चीनी इसमें कम डाली है, क्यों? क्योंकि अभी मुझे इसके अंदर फ्लेवर डालने हैं। अगर आप कोई भी फ्लेवर ना डालना चाहें तो आप इसके अंदर चीनी थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बस हमें 4 से 5 मिनट टोटल इसे पकाना है और वो काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। अभी हम जब इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। मैंने इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए बिल्कुल ठंडा कर लिया। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। अब इसमें ड्राई फ्रूट की वजह से कितना अच्छा चंक भी आ रहा है। और बच्चे जब ड्राई फ्रूट खाने में नखरा करते हैं तो आप उन्हें गर्मियों में ये एक बड़े ही हेल्दी वे में खिला सकते हैं। बस अब हमें कुछ नहीं करना। मैंने इस पूरे बैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले हम रोज़ कुल्फ़ी बनाएंगे। अब मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून के लगभग रोज़ सिरप डाला है। आप रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं या कोई भी और सिरप जो आपको फ्लेवर या बच्चों को पसंद हो वो डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच चॉप ड्राई फ्रूट डाल देंगे। पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। कुल्फ़ी में थोड़ी सी किशमिश का इस्तेमाल भी किया है, क्योंकि मुझे कुल्फ़ी में जमी हुई किशमिश बहुत अच्छी लगती है। आप भी अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। बस अब हम कुल्फ़ी मोल्ड लेंगे और इसे कुल्फ़ी मोल्ड के अंदर डाल देंगे। ये कुल्फ़ी मोल्ड आपको बड़े आराम से मार्केट में मिल जाएंगे। मैंने भी ये 10-10, 15-15 रुपये के अंदर मार्केट से ही लिए हैं। और अगर आपको कुल्फ़ी मोल्ड ना भी मिले तो आप किसी भी प्लास्टिक के कप या पेपर कप के अंदर इसे आराम से जमा सकते हैं। अभी मेरे पास पेपर कप अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको जमा कर दिखाती। बस अब हम इसे ऊपर से इस तरह से होम फॉइल से कवर कर देंगे और किसी भी ग्लास के अंदर या किसी जग के अंदर, सारी कुल्फ़ी आप एक साथ रखना चाहें तो जग के अंदर रख सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपके फ्रीज़र में कितनी जगह है। मुझे इस तरह से रखनी है, मैं ग्लास के अंदर 2-2 कुल्फ़ी, 3-3 कुल्फ़ी लगाकर रखती जाऊँगी। सारी कुल्फ़ी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। रात के समय डिनर के बाद ये कुल्फ़ी खाने लोग बाज़ार जाते हैं, जबकि इसको हम बड़े आराम से घर में बना सकते हैं। अगर आप इसको सुबह के समय बना लें और फ्रीज़र के अंदर सेट करने के लिए रख दें तो रात को आपको कुल्फ़ी बिल्कुल तैयार मिलेगी। बस इस तरह से हम इसके अंदर स्टिक लगा देंगे और हमारी बिल्कुल बाजार जैसी रबड़ी मलाई कुल्फ़ी तैयार है। इसी तरह से जो सेकेंड पार्ट है बैटर का, उसके अंदर मैंने मटका कुल्फ़ी बनाई है, ताकि आपको पता लग जाए कि हम इस तरह से कुल्फियों को अलग अलग शेप्स में बना सकते हैं। बस अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे और साथ में डाल देंगे केसर सिरप। मैंने केसर सिरप की रेसिपी पहले भी अपने चैनल के ऊपर शेयर की हुई है, आप वहाँ से जाएँ तो चेक करके देख सकते हैं। ये केसर सिरप बनाना बहुत ज़्यादा आसान है
बस एक कटोरी चीनी के अंदर थोड़ा सा खाने वाला पीला रंग और बिल्कुल एक चुटकी के लगभग वो डालिए केसर और उसे लगातार 4 से 5 मिनट तक बॉईल कीजिए। बहुत अच्छा केसर सिरप बनकर तैयार हो जाता है। अब ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर भी रख दिए हैं। अभी हमारी बहुत बढ़िया मटका कुल्फी बनकर तैयार है। इस तरह से आप छोटे छोटे मटके या कटोरियाँ बनाकर सबके लिए पहले से ही रख सकते हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और जो बाकी का बचा हो उसमें मैंने खस सिरप डाला है। इस तरह आप एक ही तरह के बैटर से तरह तरह की कुल्फियाँ बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई और फ्लेवर का सिरप जस्ट लाइक दैट मैंगो या पान फ्लेवर पड़ा हो तो आप इसके अंदर वो फ्लेवर भी डाल सकते हैं, उनसे भी बहुत अच्छी कुल्फी बनकर तैयार होती है। और अगर आपके पास कोई फ्लेवर ना पड़ा हो तो आप उसकी जगह रोज एसेंस या केवड़ा एसेंस डालकर उससे भी बहुत ही अच्छी रबड़ीदार कुल्फी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से सारी कुल्फी मैंने तैयार कर दी है केवल 750 ग्राम दूध के अंदर। ये देखिए हम पूरे घर के लिए कितने आराम से कुल्फी तैयार कर सकते हैं। कुल्फी तैयार करने के बाद मैंने इसको सारी रात के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और सुबह के समय देखिए कितनी अच्छी कुल्फी बनकर तैयार है। इस तरह के अगर हम कुल्फी बनाकर अपने घर में मोल्ड में रख दें तो आप 3 से 4 दिन तक फ्रीज़र में इसको आराम से रख सकते हैं और बच्चों को टेस्ट करा सकते हैं। 3-4 दिन तक ये कुल्फी ख़राब नहीं होगी। इसका रीज़न ये है क्योंकि इसको हमने ताजे दूध के साथ उबालकर घर में ही बनाया है तो बहुत आराम से बन भी गई और बहुत टेस्टी भी है। बस सर्व करने के लिए इसे हल्का सा पानी के अंदर हम 10 से 15 सेकंड तक चलाएंगे ताकि ये आराम से मोल्ड से बाहर निकल आए। इस तरह से बहुत अच्छी और टेस्टी कुल्फी बनकर तैयार है। आप सबको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप सबका मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगे या आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।